नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आपके पास डिश टीवी का कनेक्शन है और उसके सिग्नल अगर लॉस्ट हो गए हो, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए ये सिग्नल फाइंड करके किस तरह से सेट कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये सैटेलाइट फाइंडर प्रो नाम का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लेना है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सैटेलाइट फाइंडर प्रो ऐसा टाइप करके लेना है और इसे आपको यहाँ पे सर्च करके लेना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक ऐप यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लीजिए। अदरवाइज मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि आपको इसे किस तरह से यूज करना है। तो चलिए, मैं इस ऐप को ओपन करके लेता हूँ। तो दोस्तों, इसे ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, आपको अपने मोबाइल का लोकेशन या जीपीएस का जो ऑप्शन है उसे यहाँ पे ऑन करके लेना है। क्योंकि दोस्तों, विदाउट आपके मोबाइल का लोकेशन ऑन किए ये ऐप आपको सही सैटेलाइट यहाँ पे नहीं दिखाने वाला है। तो इसके लिए आप पहले अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है सैटेलाइट फाइंडर का, वहां पे क्लिक करके लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सैटेलाइट फाइंडर पे क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको अपनी जीपीएस पोजीशन यहाँ पे दिखाई देने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जीपीएस पोजीशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। आपको यहाँ पे सबसे पहले सैटेलाइट सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंक्लिनेशन सेट करना है और उसके बाद एजिमुथ सेट करना है। तो दोस्तों, ये सब कैसे करना है ये मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने डिश के हिसाब से सैटेलाइट सेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, अलग अलग डिश के लिए आपको अलग अलग सैटेलाइट यहाँ पे सेट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे सैटेलाइट की लिस्ट यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पे दोस्तों, आज हम डिश टीवी का सेटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों, हमें यहाँ पे NSS 6 नाम का सैटेलाइट, जिसकी सैटेलाइट वैल्यू है 95 डिग्री ईस्ट, ये सैटेलाइट आपको यहाँ पे खोज के इसे यहाँ पे सेट करके लेना है। या आप इसे अगर डायरेक्टली सर्च करना चाहते हो तो आपको ऊपर सिलेक्ट सैटेलाइट का एक ऑप्शन मिल रहा है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे NSS ऐसा टाइप करके लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे NSS टाइप करके लेता हूँ, आपको यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि आपके सामने NSS वाले सारे सैटेलाइट यहाँ पे आ गए। तो हमारे डिश टीवी के लिए हमें यहाँ पे NSS 6 ये सैटेलाइट यहाँ पे लगने वाला है। तो मैंने अभी आपको इसकी पोजीशन बताई है 95 डिग्री ईस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सैटेलाइट मैं यहाँ पे सेट करके लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा NSS 6 ये सैटेलाइट यहाँ पे सेट हो गए। तो दोस्तों, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 है डिश का इंक्लिनेशन सेट करना। तो हमें यहाँ पे 59 डिग्री इतना इंक्लिनेशन मिला है। तो इसे सेट करने के लिए दोस्तों, आपको सिंपली आपके डिश के पिछले हिस्से में जो मेजरमेंट मिलते हैं वहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको 59 डिग्री इतना एंगल सेट करके आपके डिश के सारे नट बोल्ट को यहाँ पे टाइट करके लेना होगा। तो दोस्तों, ये आपका इंक्लिनेशन का सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों, आपको सबसे लास्ट वाला 3 नंबर का सेटिंग है, वो है एजीम्यूट का। तो दोस्तों, एजीम्यूट मतलब आपके डिश की डायरेक्शन सेट करना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे होने वाला है। तो आपका एजीम्यूट है 130 डिग्री। तो इसे सेट करने के लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपके डिश के एग्जैक्टली ऊपर खड़े होना है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे आपके मोबाइल को अपने हाथ में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखना है, या आप इसे जमीन पे भी रखते हैं तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो, या आप अगर इसे हॉरिजॉन्टल नहीं रखते तो ये आपको एक्यूरेट डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बताने वाला है। तो दोस्तों, मोबाइल को पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रखने के बाद आपको यहाँ पे एक सैटेलाइट का साइन दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आपको इस साइन को, ये जो हमारे सर्कल का जो एरो है, उसके साथ इस साइन को मैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों, हमें एक ऊपर नोटिफिकेशन भी मिल रहा है, टर्न द एंटीना 20 डिग्री टू द राइट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें अपने मोबाइल को राइट में 20 डिग्री तक रोटेट करते जाना है। तो मैं धीरे धीरे अपने मोबाइल को यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ पे नज़दीक जाता हूँ, हमारी वैल्यू यहाँ पे कम होती जा रही है। और एग्जैक्टली करेक्ट डायरेक्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे परफेक्ट ऐसा एक मैसेज दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी इसे एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में लाता हूँ, तो आपको यहाँ पे परफेक्ट ऐसा एक मैसेज दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये परफेक्ट मैसेज दिखाई देगा, वही आपके डिश की एग्जैक्टली डायरेक्शन यहाँ पे होने वाली है, और आपको इसी डायरेक्शन में अपने डिश को सेट करना है। तो मेरा डिश अभी वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए ये डायरेक्शन और हमारे डिश की डायरेक्शन यहाँ पे मैच हो रही है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि ये ऐप हमें सही डायरेक्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों, इन तीनों सेटिंग करने के बाद आपके चैनल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपके सारे चैनल्स यहाँ पे नहीं आते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे LNB का सेटिंग करना होगा। तो LNB का सेटिंग करना बहुत ही ईजी है दोस्तों। आपको अपने LNB
को यहाँ पे राइट साइड में धीरे धीरे से, बहुत ही धीरे से आपको इसे थोड़ा थोड़ा सा रोटेट करते जाना है। उसके बाद आपको अपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेक करनी है, और जहाँ पे भी आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है वहाँ पे आपको अपने LNB को यहाँ पे सेट करके लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सारे चैनल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप ये सारे सेटिंग्स करते हो तो आपके डिश के सिग्नल्स यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।